नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गट्टे की सब्जी। उसके लिए हमने लिया 250 ग्राम बेसन, एक बाउल, एक कटोरी हमने लिया है दही, 4 चम्मच हमने लिए हैं ऑयल, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया लिया है, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच हमने लिया लहसुन अदरक का पेस्ट। सबसे पहले हम इसका डो तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक बाउल ले लेंगे बड़ा। सबसे पहले उसमें डालेंगे बेसन, फिर डालेंगे नमक, धनिया पाउडर, अजवाइन, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हरा धनिया कटा हुआ। इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 3 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे और 4 चम्मच डालेंगे दही। हमें इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है, हार्ड नहीं होना चाहिए। हाथों से मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इसका डो तैयार करेंगे। अगर ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं अगर ये हार्ड लगेगा तो। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। थोड़ा सा और डाल लेंगे, इससे गट्टे सॉफ्ट बनते हैं। और इसमें थोड़ा सा हमारा 2 चम्मच पानी लगा है, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, तब तक पानी उबाल लेंगे। हम एक कढ़ाई में 1 लीटर पानी उबाल रहे हैं, इसको हम ढककर उबाल लेते हैं। तब तक हम, अब 5 मिनट हो गए हैं, अब गट्टों को हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इस ढंग से इसको बनाएंगे। हाँ, इसी ढंग से बना बना के हम रखते जाएंगे। इसी ढंग से हम सब गट्टों को बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। ये हो गए हैं, अब इसको हम उबाल लेते हैं। पानी चेक कर लेंगे, पानी हमारा उबल गया है। गैस को कम करेंगे और धीरे धीरे गट्टों को डालेंगे इसमें। हमें तेज गैस करकर इसको 8 से 10 मिनट तक तेज गैस पे ही उबालना है, जब तक ये फूल के ऊपर ना आ जाए। ये 8 से 10 मिनट हो गए हैं, ये उबल गए हैं, फूल के ऊपर आ गए हैं। अब इसको हम निकाल कर ठंडा करने रखेंगे, तब तक ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हम लेंगे 2 प्याज बारीक कटे हुए, 8 कलियां लहसुन की बारीक कटी हुई, 1/2 इंच अदरक बारीक कटा हुआ, धनिया बारीक कटा हुआ, 3 हरी मिर्ची हमने स्लिट कर ली है, 1 बड़ा टमाटर की हमने प्यूरी बना ली है, 1 तेजपात लेंगे, छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 हमने ली है सूखी लाल मिर्ची, 2 चम्मच हमने दही को फैट लिया है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डालकर उसको हम गर्म कर लेंगे। सबसे पहले हम, ये गर्म हो गया, गैस लो करकर डालेंगे 1 तेज पात, ये दालचीनी का टुकड़ा और ये लाल मिर्ची, इनको थोड़ा सा चला लेंगे। अब डालेंगे 1/4 टीस्पून राई और उसको भी चला लेंगे, राई को भी। अब डाल देंगे इसमें तेज गैस करकर लहसुन, इसे भी थोड़ा सा चला लेंगे मिक्स करते हुए। अब डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, उसको भी तेज गैस करकर 2 मिनट तक भून लेंगे इसमें चलाते हुए। ये हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे कम गैस करकर अदरक, उसे भी मिक्स कर लें, और स्लिट करी हुई हरी मिर्चें, इसे भी मिक्स कर देंगे चलाते हुए। अब डालेंगे इसमें
हाफ टी स्पून से थोड़ा कम डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर, और हाफ टी स्पून डालेंगे देगी मिर्ची पाउडर लाल मिर्ची, हाफ टी स्पून डालेंगे हम धनिया पाउडर, और इसे भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लें। अब गैस को तेज करके हम डाल देंगे टमाटो प्यूरी, इसको हम तेज गैस पर ही 2 मिनट तक भून लेंगे चलाते हुए। ये हो गया, अब इसमें हम डाल देंगे नमक, आप स्वाद अनुसार डालिए, मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ, और डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला, इसे भी चलाते हुए मिक्स कर दें। अब जो वो पानी बचा हुआ है हम वही पानी इसमें डालेंगे गट्टों का जो हमने उबाला था, उसे भी इसमें एक तेज गैस पे उबाल आने देंगे। ये उबाला आ गया, अब कम गैस करके हम ढक देते हैं इसे और गट्टों को काट लेते हैं। गट्टे ठंडे हो गए हैं, अब इसको हम काट लेंगे, अब जितना बड़ा चाहे उतना काट लें इस ढंग से। ऐसे ही काटते हुए हम सभी गट्टों को काट लेंगे। ये हमने सब गट्टों को काट लिया है, अब इसको हम ग्रेवी में डाल देते हैं। गैस को तेज कर दें और इसको गट्टों को इसमें डाल देंगे और इसको तेज गैस पर एक उबाल आने देंगे। अब कम गैस करके इसको ढककर हम 5 मिनट तक पकाएंगे। ये 5 मिनट हो गए हम इसको देख लेते हैं, तेज गैस करके इसको पहले हम चलाएंगे। अब जो हमने 2 चम्मच दही फैट कर रखा है उसको भी इस पर डालकर 1 मिनट तक तेज गैस पर चलाते हुए पकाएंगे। इस ढंग से ये देखिए हमारी सब्जी तैयार है, हमारे गट्टे बन गए हैं। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे और गैस को बंद करके इसको हम सर्व करेंगे। ये देखिए हमारे गट्टे की सब्जी तैयार है, ये चपाती के साथ बहुत टेस्टी लगेगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।